इस इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल जनाब अनवर खान साहब, उनका पूरा तआवुन रहा है, उनके जो स्टाफ हैं मेम्बरान और इंडियन आर्मी का एक पूरा तआवुन के साथ ये आज का कामयाब तरीन प्रोग्राम, अपनी नवीयत का पहला प्रोग्राम जिसमें यूटी भर के आर्टिस्टों ने यहाँ आकर अपने फन का मुजाहरा किया है, परफॉर्म किया है। मैं ये कहूँ कि ये वो आर्टिस्ट थे जो नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जाके परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट आज हमारे यहाँ सब्जियाँ दूर दराज इलाका में, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा जो हमारे बच्चे हैं कि हम ऐसे इन आर्टिस्टों को देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। उससे ये हुआ कि हमारे जो यहाँ की हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका फ़न भी सामने आया। उन्होंने सर बताएगा जे एंड के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सब ऑफिस राजौरी के तआवुन से बॉर्डर हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ पुंछ में आज कल्चरल फेस्टिवल, फोक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक के लिए हमारे पास कश्मीर से 26 आर्टिस्ट आए, 24 आर्टिस्ट जम्मू से आए हुए थे, कश्मीर में से कुछ बडगाम से आए, कुछ बटमालू से आए, जिन्होंने बांड पत्थर, उसके अलावा चक्री, रोफ और जो डोगरा कल्चर के हमारे आइटम्स पेश की, उसके अलावा गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी फोक डांसेस और म्यूज़िक बच्चों के साथ पेश किया गया। मेरे स्कूल के बच्चों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मकसद यही था कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, हमारा जो कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, उसको प्रिजर्व किया जाए। और इस प्रोग्राम में तकरीबन 250 से ज़्यादा मुकामी लोगों ने शिरकत की और बच्चे भी थे। तो इसमें हमें भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का भी तआवुन रहा, इसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और हमेशा की तरह हम आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम इन दूर दराज इलाकों में हों, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारा कल्चर क्या है।